नमस्कार दोस्तों, आज फिर उपस्थित हुआ हूं आपके बीच। अक्सर को सुनता हूं, भारत डेट इज इंडिया। ये भारत इंडिया ये क्या है यार? आप अपना नाम ही नहीं ले पा रहे हो और फिर आप कहते हो कि नाम में क्या रखा है। कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मुझे तो लगता है नाम में बहुत कुछ रखा है। यहां तो नाम की बड़ी महिमा कही जाती है। लोग कहते हैं नाम जब जब के आदमी का उद्धार हो जाता है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। अच्छा, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि नाम में क्या रखा है। आपको यदि किसी फॉर्म में अपने पिताजी का नाम भरना है तो आप क्या लिखेंगे? पिताजी का ही नाम लिखेंगे या पड़ोसी का? तो भैया मेरे, नाम में बहुत कुछ रखा है, इसीलिए जिसका जो नाम है वो नाम है। आप सोचिए ना, जड़ों को काट देंगे तो पेड़ कितने हरे भरे होंगे। आशुतोष शुक्ल अपनी किताब तुम्हारी जय में लिखते हैं कि ऋग्वेद में जम्बू द्वीपे भारत खंडे लिखा हुआ है कि जम्बू द्वीपे इंडिया खंडे लिखा हुआ है, और व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी कि महा इंडिया की रचना की थी। तो चीजें ही बदल जा रही है, फीलिंग ही बदल जा रही है। इंडिया सुनते गुलामों जैसी फीलिंग नहीं आती क्या आपको? आपको गुलामों जैसी फीलिंग नहीं आती? मुझे तो आती है। इसलिए भारत को भारत ही कहें। आप कह सकते हैं कि इसमें धर्म का एंगल है, इसमें जात का एंगल है, आप कोई भी एंगल समझ सकते हैं, लेकिन एक बात जो वास्तविक है वो ये कि इसका नाम भारत है, इसमें कोई जाति का एंगल नहीं है। इसलिए भारत को भारत कहिए। ये आपका वतन है, ये हमारा वतन है, ये हमारी धरा है, और इसका जो नाम था कृपया उसी से पुकारें। अच्छा, सदियों से, सालों से, वर्षों से एक ही चीज पढ़ाई जा रही है, ये चीज फला देश ने बताया, वो चीज फला देश ने बताया, ये ज्ञान इन्होंने दिया, वो ज्ञान उन्होंने दिया, हमारे भारत का तो कुछ था ही नहीं। जैसे 5000 से भी ज्यादा वर्ष पूर्व ऋग्वेद जैसा महान ग्रंथ जहाँ पे लिखा गया है, जिसे वेद कहते हैं, ऐसा टेक्निकली इतने साउंड चीजें इसमें है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, आप इसको पढ़िए ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, और आप सोचिए कि ये कौन सा षड्यंत्र है जिसके तहत हम लोगों को पिछड़ा दिखाया जा रहा है। थोड़ा पढ़िए, आगे बढ़िए। और हाँ, ये आशुतोष शुक्ल जी की पुस्तक तुम्हारी जय जरूर लीजिएगा, और इसको पढ़ने के बाद बताइएगा कि आपकी राय क्या है। और हाँ, अब से इंडिया नहीं, भारत, भारत बोलिएगा। भारत माता की जय।